मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये सारी आइटम छोड़ दूं, मेरे बाजू में चाय का फ्लास्क रखा हुआ है दूसरे टेबल पे, मैं बस चाय भरता जाऊं और पीता जाऊं। मतलब चाय तो इतनी लाजवाब है, बॉन एकदम सॉफ्ट रही है। देखिए पास में आइए, ये वापस खोल के बढ़िया हो गया, बॉन एकदम सॉफ्ट रही है। देखिए पास में आइए, ये वापस खोल के बढ़िया हो गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित फ्रॉम चटोरा अंकित, और आज हम आए हैं कतारगाम एरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ठंड का मौसम है, बढ़िया सा बिना बिना ठंड हुआ हुआ है यहाँ पे, और वहाँ इसलिए हम आए हैं आज चाय पार्टनर में। यहाँ की चाय जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही डिफरेंट टाइप की, बहुत ही अलग है। इसके साथ में मिलता है आपको बढ़िया सा खाकरा, चाय में बाई डिफ़ॉल्ट ही खाकरा मिलता है, ना कि आपको सिर्फ एक सिंगल ग्लास ऑफ चाय मिलेगा। और साथ में पीछे मिले हमारे दोस्त से, सिपी से, इधर आप आइए, बढ़िया बड़ी इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाइए, आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगाइए, चाय पार्टनर के इंस्टाग्राम हैंडल से आपकी रिपोस्ट होगी। अगर आप मुझे टैग करते हैं तो मैं भी रिपोस्ट करूँगा। और यहाँ पे हम खाने वाले हैं बढ़िया सा मस्काबन साबूदाना वड़ा, जो कि व्रत में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा लोग खाना प्रेफर करते हैं। साथ में यहाँ पे हम खाने वाले हैं यंगस्टर्स की आन बान और शान मैगी को, और साथ में नाचोस ट्राई करने वाले, और एकदम लास्ट में ट्राई करेंगे हम बढ़िया सा हॉट चॉकलेट। तो चलिए चलते हैं, देर नहीं करते हैं, आपको मेकिंग दिखाते हैं और आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करके बताते हैं सारी डिशेज। तो भाई हम चाय पार्टनर में आए हैं, और चाय पार्टनर में चाय ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये देखिए हमारी केसर वाली चाय, ऊपर मस्त केसर के कुछ लच्छे डाले हुए हैं, और इनकी प्रेजेंटेशन भाई काबिले तारीफ है। चाय के साथ में हमें मिलता है यहाँ पे खाकरा, मतलब उसी प्राइस में हमें खाकरा भी मिलता है, और हमारे पास ये मैंने प्लेट से बाहर कर दी थी ब्राउन शुगर। इस चाय में चीनी नहीं है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर फ्री पीना चाहते हैं, तो आप वो भी पी सकते हैं। और हेल्दी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास ब्राउन शुगर है, देखिए। तो इसको मैं इसमें डालता हूँ, और ज़रा सा इसको मैं मिक्स करता हूँ। इसके हमारी साथ में केसर भी पूरा नीचे चला गया, बट कोई बात नहीं, टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। इसको मिक्स किया, इसको साइड में रखते हैं, और एक खाकरा तोड़ते हैं इसमें से। हल्का सा गार्लिक सा टेस्ट है, जबरदस्त। अब चाय पीते हैं। मजेदार, एकदम स्वीट, एकदम बैलेंस्ड। जैसा कि आपको बताया कि ब्राउन शुगर है, बढ़िया सा और क्रंची सा ही, एकदम फ्रेश खाकरा। अगर कहीं से आप थक वक के आ रहे हैं, यहाँ पे आए बैठे चाय ले और अपने पार्टनर के साथ बैठ के आप एंजॉय कर रहे हो, एक बढ़िया सा खाकरा क्रंची मिल जाए चाय के साथ, तो मज़ा ही आ जाता है। और देखिए साथ में हमने इस राउंड में सारी चीज़ें जो है, ये समोसा हो गया, ये थेपला हो गया, ये मस्काबन हो गया, और ये साबूदाना वड़ा हो गया, जो कि व्रत स्पेशलिस्ट है। व्रत में भी आप यहाँ पर आके खा सकते हो, ये भी आपका खास ध्यान रखा गया है, और चाय के साथ पी सकते हो, चाय के साथ खा सकते हैं आप, ये बहुत ही ज़बरदस्त। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मस्काबन के साथ। ये देखिए ऊपर टूटी फ्रूटी भी है। हम लोग के यहाँ पे इसे पाव रोटी बोला जाता है, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं आप बताइए। और ये देखिए अंदर बटर कितना बढ़िया से लगाया हुआ है, मज़ेदार एकदम। उसको इसमें डिप करते हैं, एक बढ़िया सा सिप बनाया, गजब, बॉन एकदम सॉफ्ट रही है। देखिए पास में आइए, जरा से दिखाइए, ये वापस खोल के
बढ़िया हो गया। इससे इसकी फ्रेशनेस का पता लगता है कि कितनी फ्रेश है, और ऊपर टूटी फ्रूटी तो है ही, गजब लग रही है। तो चलिए एक और बाइट लेते हैं इसकी। और हम गुजरात में शूट कर रहे हैं, तो गुजरात में हाइटी आइटम में वन ऑफ माय फेवरेट चीज़ है जो कि परौठा का काम करता है, वो है थेपला। ये देखिए बढ़िया सा थेपला है, साथ में हमारे यहाँ पे दिया हुआ है मिर्ची का अचार, और साथ में यह है लहसुन वाली चटनी। मैंने ऑफ स्क्रीन चुंगू मारी थी थोड़ी सी तो पता चला। ये देखिए बढ़िया सा इसको मिक्स किया, बाइट बनाई, और ये मैं और उसके साथ भी चाय की घुट मैंडेटरी है। मस्त एकदम मिर्ची की तीखी, लहसुन चटनी का तिखावट और थेपला, मजा आ जाए। उसके बाद हम यंगस्टर्स को कैसे भूल सकते हैं, तो भाई यंगस्टर्स को लुभाने के लिए यहाँ पे है समोसे। ये देखिए उस तरफ पूरे क्रंची से समोसे, पापड़ी वाले, और थोड़ा सा आलू वाला पोर्शन तोड़ता हूँ मैं। ये देखिए इसका मसाला कितना टेम्पटिंग लग रहा है, मटर डाले हुए दिख रहे हैं इसमें, यहाँ पे कुछ दाल डाला हुआ दिख रहा है और अलग अलग मसाले डाले हुए हैं। यहाँ पे कुछ अलग सी आइटम दिख रही है, चलिए इसको टेस्ट करते हैं। ये मसालेदार समोसा है, वटाना वगैरह डाला हुआ है अंदर, और इस पार्ट में दिखाऊं तो ये क्या है, काजू डाला हुआ है भाई साहब। ये देखिए काजू के पीसेस भी है इसके अंदर, गजब। ये देखिए मटर निकला अंदर से, ये किशमिश है, किशमिश गजब। एक और किशमिश का पीस लेते हैं, ये देखिए, और साथ में फिर से चाय। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये सारी आइटम छोड़ दूं, मेरे बाजू में चाय का फ्लास्क रखा हुआ है दूसरे टेबल पे, मैं बस चाय भरता जाऊं और पीता जाऊं। मतलब चाय तो इतनी लाजवाब है, और साथ में हम एक ज़रा सा ग्रीन चिल्ली चुंगू मारते हैं, और आपको दिखाते हैं हमारी जो व्रत स्पेशल आइटम है वो साबूदाना वड़ा। आप लोग सॉस के साथ खा सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही प्रेफर करता हूँ खाना। ये देखिए अंदर से अभी भी गर्मा गर्म है, और अंदर देखिए आलू डाला हुआ है, साबूदाना है, साबूदाना के चंक से, और अभी भी गर्म है, मेरे उंगलियाँ जल रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको दिखाना तो बनेगा। तो ये देखिए अंदर बादाम वगैरह का क्रिस्प, और ऊपर से ये क्रंची क्रंची सा है, अंदर ये उतना ही सॉफ्ट है। ये दिखाइए ज़रा सा इसकी डिटेलिंग दिखाइए भाई साहब, हल्का सा स्ट्रॉन्ग अदरक का फ्लेवर आ रहा है, और ये देखिए अदरक के चंक्स भी है यहाँ पे, और चाय। ये चार वो फेवरेबल चीज़ है जो चाय के साथ आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। एक साबूदाना वड़ा, दूसरा मस्का बन, तीसरा थेपला हो गया, और ये चौथा समोसा। और हाँ, ये चटनी जो है चाय पीने से पहले जल्दी से भी ट्राई ना करें वरना मुंह जलने लग जाएगा। आइए एक और बार खाकरा तोड़ते हैं और चाय के सिप के साथ एंड करते हैं, और आपको कुछ नई आइटम लाके बताते हैं।
तो भाई ये देखिए हमारी दूसरी फेवरेट चीज़ आ गई है, चीज़ी मैगी। और ये देखिए भाई साहब चीज़ कितना लोडेड डाला हुआ है ऊपर, और साथ में हमारे पास है विंटर स्पेशल हॉट चॉकलेट। ऊपर से गार्निशिंग कितनी बढ़िया की हुई है, कितनी ज़ोरदार लग रही है। तो चलिए पहले एक चीज़ वाला पार्ट उठाते हैं यहाँ से, और ये देखिए भाई साहब मतलब चीज़ की एक बढ़िया सी लेयर ही आ गई, कितना शानदार लग रहा है ये। अंदर मटर डाले हुए हैं, कैप्सिकम का एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, और ये बिल्कुल भी सूपी नहीं है, जैसा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये एकदम ड्राई ड्राई सा है बढ़िया सा। और ये देखिए ओए ओए ओए, इसको रोल करते हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट, बहुत ही कमाल का है। और सबसे मज़ा जो आ रहा है ना देखने में भाई साहब, ये मैगी और ये चीज़, मतलब कितना नेक्स्ट लेवल है ये, गजब। और मैंने इतनी जगह शूट किया ना, बहुत सी जगह पे क्या होता है जब वो बनाते हैं ना, तो या तो उसमें मसाला ज़्यादा गिर जाता है या नमक ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सब चीज़ बैलेंस था, कोई भी चीज़ का क्वांटिटी ज़्यादा नहीं हुई, एकदम परफेक्ट मैच बैठा है। और अंदर से निकालते हैं ज़रा सा, देखते हैं अंदर क्या क्या है। और देखिए अंदर से निकाला तो भाई साहब धुआं अभी भी बरकरार है, स्मोकी सा एकदम बढ़िया सा गर्मा गर्म, ऐसा लग रहा है इसमें मुँह जलने वाला है, बहुत गर्म है भाई। इसका चीज़ देख के तो सबसे मेन मेरा मन तच रहा है भाई साहब, एक कचब है। चलिए अब इसको साइड में करते हैं और कॉफ़ी ये हॉट चॉकलेट पे आते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए भाई साहब कितनी गजब है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा पतली है, और गर्म अभी भी हमने जबकि इतनी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई है, सब चीज़ किया है, फिर भी ज़बरदस्त लग रहा है। ज़रूर आए ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्राई करें, हालांकि ये आपको दोनों अलग अलग परचेज करना पड़ेगा, ये तो हमने साथ में आपको दिखाने के लिए कॉम्बो बनाया है, बाकी ये आपको दोनों अलग अलग परचेज करना पड़ेगा। एक मैगी लीजिए, एक हॉट चॉकलेट लीजिए, या चाय लीजिए, चाय तो यहाँ पे ऑल टाइम फेवरेट है ही। तो चलिए हॉट चॉकलेट की एक सिप के साथ इस वीडियो को अलविदा करते हैं और हमारी नेक्स्ट आइटम आपके सामने लेके आते हैं। तो भाई ये देखिए हमारी फुल एंड फाइनल चीज़ें हमारी प्लेट पे आ चुकी है, और ये देखिए नाचोस है हमारे पास, क्रिस्पी क्रंची चीज़ी नाचोस। और आपको दिखाऊं तो ये देखिए भाई साहब कितना लोडेड है, ये उठ भी नहीं रहा है, इतना ज़ोरदार है, और इसको देखिए डिज़ास्टर हो रहा है, चीज़ पुल आएगा, ये देखिए कितना शानदार। ये देखो चीज उंगलियों पे लग गया है, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ तो ये देखिए चीज़ यहाँ पे हर आइटम में बहुत ही भर भर के, ये देखिए कितना मस्त लेयर है, मायोनीज है, चीज़ है। इस नाचोज में दिखाऊँ तो ये देखिए अलग अलग सॉसेज है, मटर है, कैप्सिकम है, ज़बरदस्त। ये देखिए अंदर कैप्सिकम ज़बरदस्त। देखिए पास में ये ज़रा सा, ये यहाँ पे स्वीट कॉर्न वगैरह भी डाला हुआ है, इससे गार्निशिंग की हुई है बढ़िया सी। और सबसे मज़ेदार तो यार इसकी जो ऊपर फिलिंग है ना, बहुत ही कमाल का, मतलब हल्का सा टैंगी टेस्ट दे रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। पनीर के छोटे छोटे क्यूट से क्यूब्स डाले हुए हैं, बहुत ही कमाल। हालांकि मेरा पेट भरा हुआ है तो अब मैं और ज़्यादा नहीं खाने वाला, बहुत सारी आइटम खाई है यहाँ पे। अब हम आते हैं हमारे मॉकटेल पे, ठंड के टाइम पे एक बढ़िया सा मॉकटेल भी लिया है, गला ख़राब करने आए हैं हम, बट आपको दिखाना है तो सब करेंगे। तो ये देखिए मिक्सिंग करते हैं,
इतनी सारी आइटम्स खाई थी यहाँ पे, सब गर्मा गर्म था। ये एक ठंडी चीज़ पी के एकदम सी ठंड पै गई, राहत मिल गई है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। और ऊपर आइस क्यूब्स डाले हुए हैं, ये देखिए, ये धनिया पत्ते की गार्निशिंग की हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और अंदर जो कलर है ब्लूबेरी, भाई साहब बहुत ही कमाल का। एक बार और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब सिप मारते हैं इसकी। गजब। तो अगर आप मॉकटेल लवर है तो यहाँ पे ये ब्लूबेरी मॉकटेल ज़रूर ट्राई करें। और आप कुछ क्रंची खाने की क्रेविंग्स रखते हो, आते हो यहाँ पे क्रेविंग लेके, तो ये नाचो से बड़े ऑप्शन कुछ नहीं है। और आप यहाँ पे आने के बाद अगर आप चाय नहीं पी रहे हो ना यहाँ आपकी, भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो वो चीज़ ज़रूर ट्राई करें। यहाँ का सर्विंग टेक्निक जो पैटर्न है टोटली अलग है, खाकरे के साथ सर्व होता है। और गुजरात में अगर गुजरातियों को खाकरा मिल जाए चाय के साथ, और क्या है, दिन बन जाता है भाई साहब। तो चलिए चलते हैं, ऑफलाइन जाते हैं, यहाँ के ओनर्स के साथ आपको इंटरव्यू करके बताते हैं, यहाँ की डिटेल बताते हैं आपको, ब्रांड के बारे में बताते हैं, सब आपको एक्सप्लोर करके बताते हैं। तो भाई जैसा कि आपने देखा, हमने चाय पार्टनर में कितनी सारी चीज़ें ट्राई करी, लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ थी भाई साहब, इनका चाय सर्व करने का पैटर्न। मतलब चाय तो हर कोई पिलाता है, लेकिन चाय के साथ एक ऐड ऑन देना, वो भी खाकरा, मंचिंग चीज़ एकदम क्रंच के साथ, बढ़िया सा मज़ा आ जाता है। और साथ में यहाँ पे हमने ट्राई किया था साबूदाना वड़ा, साबूदाना पेटिस, जो कि मतलब सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आप व्रत करते हो और आपको बाहर का कुछ खाना है। यहाँ पे सब चीज़ एकदम फ्रेश, शुद्ध, शाकाहारी, एकदम प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से मिलता है। तो अगर आप फास्ट कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे आकर खा सकते हो। आप यहाँ पे बताएं कि मेरा फास्ट चल रहा है, वो उतने ही हाइजीनिक और प्योर तरीके से आपको सर्व करेंगे। और यहाँ की स्नैक्स आइटम भाई साहब एक पर एक है, यंगस्टर्स के लिए है, सब बेस्ट है। तो अभी हमारे सामने यहाँ के ओनर, आइए इनसे इनका नाम जानते हैं और चाय पार्टनर के बारे में जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, थैंक यू अंकित फॉर यहाँ पे आने के लिए। और मेरा नाम है मितुल। हम लोगों ने 2020 से चाय पार्टनर का स्टार्ट किया था। और जर्नी में ऐसा था कि पहले हमारा आउटलेट वेसू था और सेकंड आई हमारा आउटलेट कतारगाँव में। तो बेसिक ऐसा फोकस ऐसा रहा है कि लाइक जो कॉरपोरेट्स और जो मीटिंग्स करने वाले लोग हैं, और उन लोगों को चाय के साथ अपनी मीटिंग वो निपटा सके। एंड दूसरा ऐसा है कि लाइक इंडिया में ऐसा कल्चर है कि किसी की शादी हो तो भी चाय बिकती है, और किसी का मरण हुआ हो तब भी चाय देते हैं। तो सेम वही कल्चर को आगे ले जाने के लिए हमने ट्राई थोड़ा सा किया है कि चाय को थोड़ा सा प्रमोट करें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं, चाय पर चर्चा वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो मितुल भाई आपको एक चीज़ बताएंगे जो उनके साथ अभी रिसेंटली हुई। अंकित, ऐसा हुआ था कि लाइक अभी इलेक्शन था गुजरात में, तो माननीय वडाप्रधान जी सूरत आए थे। तो हमारा सौभाग्य था कि पूरे सूरत में से हम लोग प्रधानमंत्री जी को चाय देने के लिए हम सिलेक्टेड हुए थे। और एक सौभाग्य वही था कि उन्हें चाय पिया, जो आपने जो केसर इलायची पिया है, सेम चाय 27 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने पी। क्या बात है। तो भाई जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के वड़ा प्रधान जी ने इनकी चाय पी और चाय की सराहना की है, ये मतलब ब्लेसिंग से कम नहीं है इनके लिए। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, बस आप भी आइए। भाई प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएट किया है तो आप समझ सकते हो कि आपको कितना पसंद आने वाला है। तो सर, हमारे व्यूअर्स को एक बार ये बता दीजिए कि इसकी एड्रेस क्या है। हम जो जिस आउटलेट पर बैठे हैं वो कतारगाँव लक्ष्मी एंगले 2 एग्जिट, गजेरा स्कूल के एग्जिट सामने ही। आप वहाँ, यहाँ से आप चाय एंड उसके साथ मस्का बन का एंजॉय कर सकते हो। क्या बात है। तो जैसा कि आपने सुना कि मस्का बन के साथ एक बढ़िया सा चाय आप लेके बैठ सकते हो यहाँ पे। आप कोई काम करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने आ रहे हो तो भी आप आ सकते हो। आप अपनी वाइफ के साथ आ रहे हो तो भी आ सकते हो। आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। मतलब कल्चर बहुत ही बेस्ट है। मैं 6 बजे से आया हुआ हूँ और अभी कुछ 10 बज रहे हैं, और 4 घंटे बैठा मैं यहाँ पे, बिल्कुल भी बोरियत जैसा नहीं फील हुआ। मतलब यहाँ का वाइब और कल्चर भाई नेक्स्ट लेवल है। तो सर, एक बार हमारे व्यूअर्स को एक बार टाइमिंग्स बता दीजिए यहाँ की। जैसे हम लोगों को मालूम है कि चाय सुबह का कल्चर है, वही कल्चर को फॉलो करने के लिए हम सुबह 7 बजे हमारा आउटलेट स्टार्ट होता है। एंड अभी जो ट्रेंड हमारे यंगस्टर्स में कि डिनर के बाद भी चाय इन्जॉय करते हैं, तो वही इन्जॉयमेंट्स के लिए 12 बजे तक हमारा आउटलेट खुला रहता है। मतलब 7 से 12 बजे तक आपकी ये आउटलेट चालू रहती है। 17 घंटे ओह 17 घंटे हमारा आउटलेट स्टार्ट है।
भाई सुना आपने, ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। मैंने जनरली 12 घंटे सुने हैं, 11 घंटे सुने हैं, 10 घंटे सुने हैं ऑपरेशंस के, लेकिन यहाँ पे मितुल भाई अपने डेडिकेशन के साथ, लव के साथ चाय सर्व कर रहे हैं चाय पार्टनर में 17 आवर्स के लिए। मतलब भाई ये होल्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो भाई इनके लिए एक बार यहाँ पे ज़रूर आए और बताएं कि आपको कैसा लगा, और आपको लगता है कि कुछ आप इसमें आपको फीडबैक भी देना है, कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो वो मितुल भाई से मिले, आप उनको ज़रूर अपना फीडबैक दें। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो चाय पीना पसंद करते हैं, जो टाइम यहाँ पर स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही अमेजिंग अमेजिंग जगह जाके नई नई वीडियोस आपके लिए लाता हूँ। तो भाई एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए भी बनता है। थैंक यू।